अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आप लोग कैसे अल्हम्दुलिल्लाह में बिल्कुल ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो मटन दो प्याज़ बनाने के लिए कुकर में हमने एक बड़ा चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत मसाले, और साबुत मसालों में हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ी इलायची, शाहजीरा, लौंग, काली मिर्च, जावित्री और दालचीनी। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। मसाले जब हल्के से तड़क जाए तो इसमें हम चार मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है ये डाल देंगे, और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज जब हल्की गुलाबी फ्राई हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो एक चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट, और एक चम्मच डाल देंगे अदरक का पेस्ट, और इसी के साथ डाल देंगे एक किलो मटन। मटन को हमने अच्छी तरह धो लिया था, तो ये मटन को डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर फुल पर रखेंगे, और फुल फ्लेम पर रखकर मटन को हम थोड़ी देर भून लेंगे। 5 से 7 मिनट मटन को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे, और पाउडर मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पाउडर मसाले हम इसमें डाल देंगे, और 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर ये डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ फुल पर रखेंगे, और फुल फ्लेम पर रखकर इसे अच्छे से भून लेंगे। तो ये मटन और मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है, और मसाले ने ये तेल भी छोड़ दिया है। ये देखिए किनारों पर ये तेल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, और इसे रखेंगे हम गलने के लिए। तो इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे, और इसमें हम 6 से 7 सीटी लगा लेंगे। मटन को हम बहुत अच्छे से गलाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह मटन बहुत अच्छे से गल गया है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम गैस को चालू करेंगे, और इसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर फुल पर रखेंगे, और फुल फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेंगे। तो मटन को हमने 8 से 10 मिनट अच्छी तरह भून दिया है ये देखिए, और ये मसाला आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा दानेदार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 गिलास के करीब इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमने यहाँ पर 1/2 गिलास डाला, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा था, तो पानी हमने थोड़ा सा और डाल दिया, क्योंकि अभी ये पकेगी तो और गाढ़ी होगी। तो ये देखिए ग्रेवी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा ये पतली है। अब फ्लेम को हम यहाँ पर स्लो कर देंगे, और इसे रखेंगे हम दूसरे चूल्हे पर, और यहाँ हम इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब घी, कुछ मसाले लिए हैं तो 1 से 2 हरी मिर्च, और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, करी पत्ता 1 टीस्पून लिया है साबुत धनिया, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह पीसों में हमने काट लिया है, तो छीलकर और इसके इस तरह वर्क निकाल लिए हैं। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया, करी पत्ता, लाल मिर्च और ये हरी मिर्च। ये सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे, और ये सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा इसके बाद हम प्याज को डालेंगे। तो थोड़ी देर भूनने के बाद में अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। प्याज डालकर इसे हम ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस 1 से 2 मिनट से फ्राई करेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद में ये तड़का तैयार है। अब यहाँ पर हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे मटन। तो मटन हमने दूसरे चूल्हे पर रखा था, वो भी अच्छी तरह पक गया है। देखिए ये मटन तैयार है, अब इसे हम इसमें डाल देंगे। प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, और इसे धोकर डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स करने के बाद में अब इसे हम ढाँक देंगे, और 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, क्योंकि हमने इसमें प्रेशर कुकर को धोकर पानी डाला है, तो वो पानी अच्छी तरह पक जाए। तो इसे अब हम ढाक देंगे और इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी देर ढाक कर पकाने के बाद में मटन दो प्याजा बनकर तैयार है। बहुत ही खुशबू आ रही है, और बहुत ही मजे का बना है। आप इसे किसी भी वीकेंड पर बनाएं या किसी की दावत में बनाएं, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।